नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के बारे में चर्चा करेंगे। रत्नागिरी जिला भारत के महाराष्ट्र राज्य के कोंकण डिवीजन के प्रसिद्ध जिलों में से एक है। इसे वर्धमुनि और परशुराम की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह जिला महाराष्ट्र में बागवानी के लिए भी जाना जाता है, खासकर यहाँ के आम और काजू दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। जिले का मुख्यालय रत्नागिरी शहर में स्थित है। रत्नागिरी लोकमान्य तिलक की जन्मभूमि होने के साथ साथ वीर सावरकर की कर्मभूमि भी है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर भी इसी जिले से ताल्लुक रखते थे। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो यह 8,208 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह अरब सागर, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, सतारा, सांगली और कोल्हापुर जिलों से अपनी सीमाओं को साझा करता है। जिले को 9 तहसीलों यानी कि रत्नागिरी, राजापुर, लांजा, संगमेश्वर, चिपलून, गुहार, खेड़, दापोली और मंडनगढ़ में बांटा गया है। जिले में 844 ग्राम पंचायतें और 1543 गांव शामिल हैं। अगर हम निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में बात करें तो जिला रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस जिले में महाराष्ट्र विधानसभा की 5 सीटें यानी कि राजापुर, रत्नागिरी, गुहागर, चिपलून और दापोली शामिल हैं। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार रत्नागिरी जिले की जनसंख्या करीब 16,15,069 थी। रत्नागिरी जिले में हर 1,000 पुरुषों पर 1,123 महिलाओं का लिंग अनुपात है। मराठी जिले की पहली प्रमुख भाषा है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो जिले की आबादी का अधिकांश हिस्सा कृषि गतिविधियों में लगा हुआ है और जिले में बड़े पैमाने पर उद्योग बहुत कम हैं। जिले की प्रमुख फसलें आम, नारियल, कटहल, सुपारी, चावल, रागी इत्यादि हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो जिले की साक्षरता दर 82.43% है। नव निर्माण हाई स्कूल पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट हाई स्कूल, पटवर्धन हाई स्कूल, रोटरी स्कूल, राजेंद्र मंदिर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, VPM के महर्षि परशुराम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, फिनोलिक्स अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज इत्यादि रत्नागिरी जिले के कुछ बेहतरीन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर हम आकर्षण के केंद्रों के बारे में बात करें तो रत्नागिरी अपने सांस्कृतिक, प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों के लिए जाना जाता है। यहाँ के सुंदर और हरे भरे पहाड़, समुद्री तट, नदियाँ, गर्म पानी के झरने, जंगल, धार्मिक स्थान किसी भी पर्यटक को आकर्षित करने के लिए काफ़ी हैं। जयगढ़ किला, स्वयंभू गणपति मंदिर, जयगढ़ लाइट हाउस, थिब्बा पॉइंट, रत्नादुर्ग फोर्ट, गणपति पुले बीच, गेटवे ऑफ रत्नागिरी, तिलक अली म्यूजियम, थिब्बा पैलेस, जनविनायक मंदिर, धामपुर लेक, पूर्णागढ़ किला इत्यादि जिले के कुछ बेहतरीन आकर्षण के केंद्र हैं। अगर हम यातायात की बात करें तो जिले का निकटतम हवाई अड्डा मुंबई का छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है। रत्नागिरी रेलवे स्टेशन जिले का प्रमुख रेलवे स्टेशन है जो देश के प्रमुख शहरों से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रत्नागिरी सड़क के माध्यम से मुंबई, पुणे, गोवा और कोल्हापुर जैसे शहरों से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जिले में MSRTC की बसें आसानी से मिल जाती हैं।